सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले टाइम्स नाउ ना भारत पर यह खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया है और जो अभी तक आरोप लगाए जा रहे थे पीड़ित के परिवार की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा था कि ये रेप का मामला है, सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, परिवार को सौंप दी गई है और जिसमें यह स्पष्ट है यौन शोषण जैसा कुछ नहीं, यानी रेप का एंगल खारिज। एक बार फिर कुंदन के पास चलते हैं। कुंदन, परिवार संतुष्ट है, परिवार को रिपोर्ट सौंप दी गई है? बिल्कुल, एक बार फिर मैं उनके परिजनों से बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं, मीडिया कर्मी भी इंतजार कर रहे हैं इस बात को लेके कि फाइनल रिपोर्ट्स एक तरह से आए और हम ये समझने की कोशिश करें कि आप लोग परिजन हैं उनके और उनके परिवार के लोग हैं, अभी कहाँ गए वो अभी जो थे। सो ये देखिए कि जो लोग परिवार के लोग हैं उनको रिपोर्ट सौंप दी गई है और इसके बाद अब जो लगातार परिजन के लोग कह रहे थे कि हम बॉडी को तभी क्रिमेशंस के लिए ले जाएंगे जब एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आ जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो मुख्य आरोप परिजन की तरफ से लगा था, परिवार की तरफ से शंका जताई गई थी कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या रेप की गई है, वो बलात्कार के जो मामला सामना नहीं है, पोस्टमार्टम इस तरह के इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस तरह के मामले सामने नहीं आए हैं। ठीक थोड़ी देर बाद जब परिजन एक बार निकलेंगे बॉडी को लेकर तब हम एक बार उनसे बात करने चले, ठीक है, करेंगे। आप बात करिएगा और हम सीधे अपने दर्शकों तक वो बातचीत पहुंचाएंगे। पुलकित हमारे साथ जुड़े, सबसे पहले जल्दी जल्दी अपने सहयोगियों से बात कर लेते। पुलकित, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो गया खुलासा कि यौन शोषण या फिर रेप जैसा कुछ भी मामला नहीं है,